जो भारत में पहली बार भारतीय संविधान ज्ञान सप्ताह यज्ञ एवं भारतीय संविधान जागरूकता सम्मेलन होने जा रहा है 20 नवंबर से 26 नवंबर गंगा यमुना के उद्गम जिला उत्तरकाशी चिन्यारी सौर गंगा और यमुना के तट पर, उसको लेकर के आप आशीर्वाद के रूप में आप तो मार्गदर्शक भी रहे, मेरे गुरु जी भी रहे, इंस्पायरेशन रहे आप, पहले दिन मैंने आपसे बताया था, तो आप इसको लेके क्या मुझे आगे मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए। महेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये तो देश में बहुत सारे लोगों को करना चाहिए था। दरअसल आप वो काम कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग कर सकते थे और जिन्होंने नहीं किया, तो सबसे पहले साहस के लिए और बहुत बहुत बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आपका कार्य सार्थक हो, आपका संकल्प पूर्ण हो। और हमारे देश में देखिए, जितने भी वर्ग हैं, संप्रदाय हैं, धर्म है, हमारा देश तो नायाब देश है ही, जिसमें हर तरह के लोग, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। और हमारा तो विश्व को संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी धारा जो है वो सब एक है। हम तो इस बात पे यकीन भी करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हर धर्म के अपना अपना एक ग्रंथ होता है, अपना एक शास्त्र होता है, विधि विधान होता है। लेकिन इस देश का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है लोकतंत्र। और लोकतंत्र के संदर्भ में या लोकतंत्र की व्याख्या जिस चीज़ में है, जो वो ग्रंथ है संविधान, जिसके बारे में लोगों को कम लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानकारी नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी होनी चाहिए। ख़ास तौर से आज के युवा को तो बहुत जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति, लेकिन अधिकारों से भी अधिक आवश्यक है कि अपने कर्तव्यों के प्रति देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। फिर वो नागरिक चाहे एक सामान्य वर्ग का नागरिक हो, मजदूर हो, चाहे कामगार हो, चाहे वो किसी दफ्तर में सरकारी अधिकारी हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो, सरकारी पद पर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अथवा कोई नेता या राजनेता, तो हर किसी का धर्म है कि वो संविधान का पालन करो। हमारा देश तो विधि से चलता है, तो विधि सम्मत हमारी सब प्रक्रिया हो, हमारी दिनचर्या हो, हमारा आचरण हो, इस सब के लिए संविधान का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। पूरा ना सही, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों का हमको बोध हो सके और अपने साथ ही साथ अपने अधिकारों के प्रति हम सचेत रहें। तो ये जो आप काम करने जा रहे हैं, ये संविधान महायज्ञ मैं कहूँगा, आपने तो यज्ञ कहा, मैं कहूँगा ये महायज्ञ है। और साथ ही एक जागरूकता अभियान जो आपने शुरू किया है संविधान को लेकर, तो ये निश्चय ही बहुत काबिले तारीफ है, बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। और मैं तो लोगों से अपेक्षा भी करूँगा और निवेदन भी करूँगा कि भाई इस कथा में आए। आपने हर तरह की कथा सुनी है, लेकिन ये जो कथा होगी ये अपने तरह की एक विलक्षण कथा होगी, तो आप सब ज़रूर आए इसमें। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई, और जितने भी आपके आयोजक मंडल के लोग हैं उन सबको बहुत बहुत साथ। और ये थी मेरे मीडिया के आदर्श और गुरु जी श्रीवर्धन त्रिवेदी, ABP सनसनी, जो मुझे एक पहले कई पूर्व में ही मुझे एक जिनके मार्गदर्शन से मैं आगे बढ़ा हूँ। और उम्मीद करूँगा कि आप वहाँ दर्शन देंगे मुझे आशीर्वाद स्वरूप, ताकि हम समाज के लिए काम कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।